सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी आने वाला है बहुत ही भयंकर फिटनेस बॉक्स वाला भयंकर माता सब यार का मैं मरने वाला था भाई। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह सुबह हो गया और यहाँ पे हम लोग फ्लाइट एक एक करके आ रहे हैं। कौन सा वाला मेरे को फ्लाइट मेरे को नहीं पता। आसाम घुस गए और आसाम में आप लोग देख ही सकते हो इतना फ्लड हो गया, कहाँ कहाँ पे फ्लड हो गया। देखो 4 घंटा के बाद में फाइनली पहुंच गया कोलकाता में। अभी कोलकाता में जैसे कि वाओ, मैं जो आज बेंगलोर में छोड़ के जा रहा हूँ अभी घर पे, सब कुछ जो लोग भी मेरे जो कलीग्स हैं, आई एम गोना मिस यू एंड आई होप वी विल मीट सुपर सून समवेयर। तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैं स्वागत हूँ न्यू ब्लॉग में आज के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट में और आज का जो ब्लॉग है एनर्जी टाइप का तो नहीं आएगा, क्योंकि एक रीजन है एंड आई एम जो आज बेंगलोर में छोड़ के जा रहा हूँ अभी घर पे। तो क्या रीजन है वो रीजन है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट में, लगभग यहाँ से 10 to 15 minutes लगेगा यहाँ पर पहुँचने के लिए। और देखो देखते देखते सामने कलीग्स है, आई एम गोना मिस यू गाइस, सब कुछ जो लोग भी मेरे जो कलीग्स है, आई एम गोना मिस यू एंड आई होप वी विल मीट सुपर सून समवेयर। तो वही है और कुछ नहीं एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हम लोगों के साथ काम करके बहुत ही मज़ा लगा मेरे को, पर ये जिंदगी में भूलूंगा भी नहीं। वैसे ही मैं क्या करें भाई, मजबूरी में घर जाना पड़ा। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ और यहाँ से पता नहीं 10 to 15 minutes लगेगा और पहुँचने के बाद मिलते वही फिर डायरेक्टली एयरपोर्ट में। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गया और यहाँ पे देख ही सकते हो इतना सारा भीड़। देखो यहाँ पे डिंदोरा पीत रही, इतना टाइम है फिर भी वो लोग डिंदोरा पीत रहे। देखो और इस गेट में भी देखो पूरा की पूरा भीड़ और ये भी क्यों भाई। तो फाइनली गाइस आई एम गोइंग टू टेक ऑफ फ्रॉम बैंगलोर टू कोलकाता और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो आकाशा एयरलाइंस जो नया एयरलाइंस है झुंझुना क्या बोलते पता नहीं। और यहाँ पे सीन देखो गाइस और आंटी लोग के साथ मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल। 4 hours later 4 घंटा के बाद में फाइनली पहुंच गया कोलकाता में। अभी कोलकाता में जैसे कि वाओ, मेरा फेवरेट एयरलाइन है भाई। ये देखो सामने वाला आप लोग देख रहे हैं ना, एयर सी इंडिया, ये मेरा ही एयरलाइन है भाई, कसम से बोलो मेरा ही एयरलाइन है। तो अभी जाके मैं रेस्ट करूँगा, अभी यहाँ पे कोलकाता में वो वेट करना है 10 hours। और पीछे में हम लोग देख ही सकते हो वो लोग जिना भी सामान है जिना भी किए हैं उसको लेने के लिए लग रहा है। तो मैं तो जाना है 105 gate में, क्योंकि मैं वेट करना है अभी फिलहाल तो मैं कोलकाता में हूँ। तो अभी वेट करके फिर से सुबह का फ्लाइट पकड़ के जाना पड़ेगा। मुझे अभी चार्ज लेना है, मेरा मोबाइल बैटरी भी नहीं है, तो मैं खुद पता नहीं कौन सा गेट में है। यहाँ पे तो लिख रहा है 105। तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 105 तो सिलचर, अरे चला गया रे छट। यहाँ पे लिख रहे गुवाहाटी, ये वाला नहीं गुवाहाटी, 7 मेरा जो मेरा टाइमिंग है 107 का है, 7 टाइम 7 सुबह का 7 का है मेरा वाला। और गुवाहाटी ये कहाँ चला गया रे भाई, ये वाला 750 गुवाहाटी 106 gate। तो 106 gate का अभी भी ढूंढना ही पड़ेगा कौन सा कहाँ पर मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली। और यहाँ पे तो एक भी पैसेंजर नहीं है जैसे कि आप लोग देख सकते हो पीछे में। तो अभी मैं जाना पड़ेगा 106 gate में, क्योंकि मेरा 106 gate में होता है सामने मेरा 106 gate है। और यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, कोई पैसेंजर वगैरह कुछ भी है ही नहीं। तो मैं उस तरफ जाना है 106 और 106 ऊपर में भाई, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो मैं यहाँ पे हंगने दो, हंगने नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा भाई, हगा होगा नहीं होगा। वाह क्या मस्त लग रहे भाई, देख रहे ना हे भगवान। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मुंडे दो उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे खाना वाना ढूंढने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है भाई, महा कसम भाई यहाँ पे लिट्टी को कुछ करके चला गया। तो अभी भी नीचे जाके खाना ढूंढना पड़ेगा उस खाने के लिए, क्योंकि बहुत ही भयंकर भूख लग रहा है उल्चा सिंह। और ये देखो गाइस क्या क्या बेस्ट है, इतना एक्सपेंसिव है मतलब क्या बोलूँ यार, ओ माय गॉड। और यहाँ पे मेरा लिख रहा है 105 दिल्ली पटेल। Approximately 10 hours later. Good morning, ladies and gentlemen. सुबह सुबह हो गया और यहाँ पे हम लोग फ्लाइट एक एक करके आ रहे हैं। कौन सा वाला मेरे को फ्लाइट मेरे को नहीं पता, यहाँ पे इंडिगो तो मैं इंडिगो जाऊँगा पर कौन सा वाला इंडिगो में मेरे को नहीं पता। यहाँ पे 3-4 खड़ा हुआ है भाई और यहाँ पे भी एक इंडिगो हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। गर्ल्स पावर के इंडिगो एयरलाइंस यहाँ पे हम लोग पहुँचेगा, उसके बाद उड़ेगा यहाँ से कोलकाता टू डायरेक्ट सिलचर। और यहाँ पे देखो साइनबोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलचर कौन सा है 10 feet पे वो वाला नहीं है, दूसरा ये साइड अलग होगा मेरे को लेकर। एक बाबा सिर उड़ के चला गया, देखो ए टाटा बाय बाय गुड बाय खत्म
भाई यार अकेला ही बंदा हमें फंस गया था, मैं सो गया था ठीक है, तो इस कारण की वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो पूरा की पूरा खा लिया देखो। सो एक ही बंदा हो गया, मैं जा रहा हूँ, मेरे को कॉल किया था और मैं बीच में जाके मैं छो गया, पता नहीं मेरा फ्लाइट चला गया नहीं चला गया। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट में सिर्फ एक ही बंदा वेट कर रहा हूँ, वो भी मैं। जिंदगी में पहली बार ऐसा लेट हो रहा है भाई, भाई वो भी फ्लाइट। हेलो शायद ये वाला मेरा एयरक्राफ्ट है इंडिगो एयरलाइंस में, और एक ही नहीं और दो लोग भी बचा हुआ है देखो। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी लेट भी होते हैं भाई। मैं तो पहुंच गया, मेरा लास्ट जिना भी है प्राजे। इस क्या हो गया रे, काफी स्मॉल है भाई ये तो, और काफी लोग भी यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं। तो ये वाला तो बहुत बड़ा है, ये वाला तो बहुत ही बहुत छोटा है भाई, मुझे लग रहा है कि ये वाला कार्गो प्लेन है। इट्स वेरी क्वाइट फॉर यार बाहर पे, और यहाँ पे बहुत सारे एयरलाइंस यहाँ पे खड़ा हुआ है देखो। तो फिर से अभी कोलकाता से सिलचर का उड़ान भर रहा हो, और देखो 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 उड़ने वाला है, उड़ गया मैं उड़ गया देखो। हे भगवान, मेरा सांस तो अटक नहीं रहा, बहुत सारे लोग यहाँ पे जब टेकऑफ करने के टाइम में बहुत सारे लोग इसका अंदर का जो सांस है ना बंद हो जाते हैं भाई। और ये नज़ारा देखो कोलकाता का एयरपोर्ट, एस यू कैन सी हाउ मेनी एयरक्राफ्ट आउट देयर। पूछ करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना यहाँ पे कितना एयरक्राफ्ट है, ठीक है मेरे को बता देना, जरूर बता देना। आप लोग को आईफोन 14 में आप लोग को दे दूँगा, और आप साइन बहुत साउंड आ रहे हैं भाई। ओ माय गॉड यार, तनाव फ्लड हो गया, ये नोटिस हो गया, मैं नोटिस घुस गया ठीक है, सॉरी नोटिस नहीं आसाम घुस गया, और आसाम में आप लोग देख ही सकते हो इतना फ्लड हो गया, कहाँ कहाँ पे फ्लड हो गया देखो, देख के बहुत ही ख़राब लग रहा है कसम से यार। ये देखो कहाँ कहाँ पे फ्लड हो गया यार, और कहीं भी जाओ जब नोटिस में पहुँचेगा ना ये वाला जो सीन नेचुरल चीज़ है ना, जैसे कि जंगल वंगल वगैरह सब देखने के बहुत अच्छा लगता है यार। एंड या हियर वी गो, वी आर गोइंग टू लैंड इन सिलचर, और सिलचर में लैंड होने वाला है, गॉड प्लीज अच्छे से लैंड करो यार। तो फाइनली पहुंच गया अपना गांव का एयरपोर्ट स्टेशन पे, फाइनली मैं पहुंच गया अपना गांव पे। तो जा रहा अभी अपना गांव में जा रहा, और अपना भाई लोंडेल लेके आ रहे हैं, ऊपर से इतना मोटा हो गया मतलब क्या बोलूं, पूरा की पूरा भेड़ लग रहा है, भेड़। और पीछे का सिग्नल देखो भाई, बहुत दिनों के बाद नहीं आ रहा हूँ अपना गांव में चिल्लाने के लिए, तभी मैं चिल्ला के जा रहा हूँ हेलो भाई। और ये देखिए पूरा की पूरा स्ट्रेट रोड है, अभी हम लोग जा रहे हैं स्ट्रेट में उठू उठू करके, और अभी आज भयंकर खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे गार्डन है, टी गार्डन, जैसे की जिन्हें भी हम लोग आसाम से इम्पोर्ट करते थे टी गार्डन में वही से इम्पोर्ट कर रहे थे, जिन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। और क्या सुकून मिले बहुत दिनों के बाद अपना गाँव का रास्ता में हम लोग ऐसा करके जा रहे, मतलब आपका कपल ऑफ मंथ्स। तो आज के ब्लॉग यही पे खत्म होते हैं, उम्मीद करते हैं ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, और जो लोग चैनल में नया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी आने वाला है बहुत ही भयंकर और फिटनेस ब्लॉग्स वाला, क्योंकि मैं घर में हूँ अभी मिला, तो आज से शुरू होने वाला है पहले की तरह फिटनेस ब्लॉग, तो इसलिए बनते रहना। तो भाई आज के लिए मुक्ता धोन, तुम्हें सुना कि तू घर जा रहे क्या? अरे हाँ भाई हाँ।